कि हम मैथिल छी, बिहारी नहीं। बिहार एक फॉल्स और फेक आइडेंटिटी है। बिहार 1912 में बनले और इससे पहले रहे मिथिला राज। ऐसे सलाई में आग भरत की बिना रगड़ने, अब निज अधिकार कतौ की बिना झगड़ने, तो झगड़ा करने के लिए आ गए हैं। और मिथिला को अलग राज्य बनाना, हर मिथिला में कितने जिले आते हैं? 25 जिला। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। ये सब आता है बिहार में और इसी का विकास किया नीतीश कुमार ने। मिथिला को एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमारा सब के सिर्फ मिथिला राज चाहिए। हम सब खुद और रोजी रोटी न चाहिए। मिथिला का मुख्यमंत्री मिथिला के युवा चूज करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार से कुछ युवा दिल्ली आए हुए हैं। इनका मांग है कि बिहार से पूरे मिथिला को अब अलग राज घोषित किया जाए। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो यहां दिल्ली बिहार से आए हुए हैं। आप लोग बिहार से दिल्ली आए हैं, क्या मांगे हैं आपके? जी, दिल्ली कुछ ही लोग आए हैं, हजारों हजार की संख्या में दिल्ली में रहने वाले मैथिल आज मिथिला राज्य मांगने आए हैं इस नारे के साथ कि हम मैथिल छी, बिहारी नहीं। ये जो बिहार नाम का टैग, बिहार एक फॉल्स और फेक आइडेंटिटी है और जबरदस्ती जो हम पे लाद दिया गया है इस फेक और फॉल्स आइडेंटिटी को नकारने हम यहाँ पे आए हैं कि हम मैथिल छी, बिहारी नहीं। बिहार 1912 में बनले और इससे पहले रहे मिथिला राज, मतलब बिहार 1912 में बना था, उससे हजारों नहीं लाखों साल पुराना हमारा आइडेंटिटी है, तो वो हम वापस लेने आए हैं। क्योंकि वर्तमान में बिहार में मगध का ही विकास हो रहा है। पटना में फ्लाईओवर की जहां जहां जरूरत नहीं है वहां दिया जा रहा है। पटना में मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है, लेकिन वही हमारे सिमरिया में जहाँ पे लाखों लोग जाते हैं, मिथिला के लाखों लोग वहाँ पे श्रद्धा के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप एक भी घाट का निर्माण नहीं किया गया है। वहाँ पे देखिएगा कि जहाँ पे लोग नहा रहे हैं वहाँ पे कुक्कुर बिलाई जो है वहाँ पे जो मूत्र विसर्जन करता रहता है। तो ये जो हमारे साथ जो भेदभाव और सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे हम मिथिला राज्य मांगने आए हैं। मगध में बनाया जा रहा है ग्लास ब्रिज और हम मिथिला के लोग चचरी के पुल पर चलने के लिए मजबूर हैं, इसके लिए मिथिला राज्य की मांग की जा रही है। मांग तो ये 100 साल पुरानी मांग थी, लेकिन आज दसियों हजार की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं और हमारा एक नारा है कि एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य संविधान में। ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है, 5वें नंबर पर है, 1 नंबर पे पूरा ट्रेंड चलेगा। मिथिला के लोग जग चुके हैं और हमारे कवि ने कहा था कि ऐच सलाई में आग बरत की बिना रगड़ने, ऐच सलाई में आग बरत की बिना रगड़ने, अब निज अधिकार कतौ की बिना झगड़ने, तो झगड़ा करने के लिए आ गए हैं। झगड़ा करेंगे और मिथिला राज्य बना कर रहेंगे। नीतीश कुमार से झगड़ा कीजिएगा, हर सरकार से झगड़ा करेंगे जिसने मिथिला के साथ भेदभाव किया है। नीतीश का नाम है मगध राक्षस, उनको मगध के सिवा कुछ दिखता नहीं है, हर सरकार से जिसने मिथिला को उपेक्षित किया है। चलिए, आप लोग सब बिहार से आए हैं भाई साहब, क्या मांगे हैं आप लोगों के? देखिए, मांग तो जग जाहिर है, मिथिला को अलग स्टेट बनाना हमारा मांग है और मिथिला को अलग राज्य बनाना हर मिथिला में कितने जिले आते हैं? मिथिला में देखिए, बेसिकली अगर जब आप ऐतिहासिक जाएंगे, 25 जिला। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। 38 जिला है जी। अब 25 को मिथिला में आता है जी, बिल्कुल। और कौन कौन मिथिला में नहीं आता है? जैसे आपको मुजफ्फरपुर से इधर जो है ना, वो मिथिला में आता है। नालंदा, गया, नालंदा, छपरा, जहानाबाद, पटना, ये सब आता है बिहार में और इसी का विकास किया नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने यही किया। और जंगल राज तो अभी आ ही गया, फिर आ गया। तो आप लोग क्या क्या टी शर्ट पे क्या लिखे हुए हैं आप लोग? ठीक है ना, ये अधिकार चाहिए हमारा, मिथिला राज चाहिए। क्या नाम हो आपका? आदर्श कुमार। आदर्श कुमार, मिथिला। आदर्श कुमार, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। तो मिथिला में आप मतलब अलग राज बनना चाहिए, बिहार में नहीं रहना चाहते? नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मिथिला में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, कुछ नहीं है। तो पढ़िएगा, कुछ कीजिएगा तब ना। पढ़ाई होगा तब ना रोजगार है। पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। रहेगा तब तो पढ़ाई करेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी विकास आता है पटना, वो पटना से दिल्ली से पटना पहुंचता है और पटना से मगध के क्षेत्र में होते होते मिथिला पहुंचते सारा विकास खत्म हो जाता है। और आज युवा की, बुजुर्ग की, बच्चे की, सभी की मांग है कि मिथिला को एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस पे हम कहना चाहेंगे, तो मिथिला का मुख्यमंत्री कौन होगा? मिथिला का मुख्यमंत्री मिथिला के युवा चूज करेंगे, मिथिला के जो नागरिक है वो चूज करेंगे और जो अच्छा काम करेंगे, जो हमारा सपोर्ट करेंगे, वो मिथिला।
ये बताइए, मिथिला के अभी कुछ लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से कुछ मांग किए हैं आप लोग? बहुत मांग किए हैं, वो कान में ठेकी ढाके सोए हुए हैं। कोई उम्मीद नहीं रखते हम। हमारे मिथिला के जो विधायक और सांसद हैं, उनके जो गुरुदेव होते हैं ना, वो गुरुदेव मगधराज, उनके गुरुदेव मगधराज का सर। तो आप लोग मिथिला की मांग कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, मिथिला में बोल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हम बता रहे आप हमसे सवाल कर रहे हैं हिंदी में, तब से हम तो हिंदी में बात कीजिए। हम तो इंग्लिश में बात करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर चाहिए, वैसे माँ सीता का मिथिला राज्य चाहिए, हमको मिथिला राज्य चाहिए। अमित शाह मोदी जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको कहता हूँ जो हमको मिथिला राज्य दे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ, हम मैथिली में बोले छी, हम मोदी जी से निवेदन करे छी, हमरा सबके सिर्फ मिथिला राज चाहिए, हम सब खुद और रोजी रोटी ना चाहिए, रोजी रोटी मिथिला राज राज मिलते ऑटोमेटिक छे। एक मिनट, राज्य बनते ऑटोमेटिक से कुछ न कुछ सुधार हेतु, सिस्टम बिल्कुल सुधार हेतु। मिथिला जहिया देश के आजादी नहीं मिलल रहा, वैसे पहले मिथिला में भी रोजगार रह, मिथिला में कथी नहीं छ, लेकिन मगधिया सरकार अपन जो कूटनीति के तहत सब जो है रोजगार के बंद करो, एक हाथ करके जहिया बिहार में कहीं एयरपोर्ट सही से नहीं रहे, तहिया दरभंगा में एयरपोर्ट चल, एयरपोर्ट बंद कर दिल गया है सौतेला व्यवहार के कारण। अच्छा। लेकिन हम सब संघर्ष कर एयरपोर्ट चालू करिए। एक बात बताओ, मगध में अभी छे पटना में एम्स, दरभंगा में ऐसे 7 साल पहले एम्स दिल गया है जहाँ तक जानकारी हो, लेकिन अभी की कारण से जो अभी तक एम्स के लतार के लौ जा रहा है खींच कर, हम सब बार बार जो आवाज उठावे काज के लिए एम्स चालू करावे, अब हम सब संकल्प लो ले छे कि हमारे और किसी नहीं, सबसे प्रथम मिथिला राज चाहिए। अगर हमारा मिथिला राज मिल जाए छे तो हमारे मिथिला के विकास अवश्य हेतु, जो भी रोजगार कहलिए ना कि मिथिला राज्य बनते तो रोजगार भ जता है। आए दुनिया में दुईटा रिसोर्स हमारा पास सबसे तगड़ा छे, ह्यूमन रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। आज तक ओकरा ऊपर सरकार काज नहीं कलके। आए हम बेंगलोर के बना दिलिए, मुंबई बना दिलिए, दिल्ली बना दिलिए, लेकिन हम मिथिला नहीं बनाब सकलिए, क्योंकि सरकार के विजन नहीं रहे उत्तर विकास कर के, ओकरा लेबर जोन बनाबक चाहिए। हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सिपाही हैं। अच्छा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के रहते कहाँ हैं? पूर्णिया बिहार से आए हैं, अविनाश मिश्र नाम है मेरा। पूर्णिया बिहार से दिल्ली आए हैं जी। मिथिला राज अगर बनते तो मिथिला के मुख्यमंत्री के बनते, मिथिला के मुख्यमंत्री कोनो नेता नहीं बनते, और आवे वाला दिन में मिथिला राज यदि बने तो मुख्यमंत्री एकर बीच के ही कोई आदमी बनते, और जे हमरा लिए संघर्ष करते वो हमारे मुख्यमंत्री हेते। तो देखिए कि ये यहाँ में मिथिला के से जो लोग आए हुए हैं दिल्ली में, इन लोगों की मांग है कि बिहार से मिथिला को अलग किया जाए, मिथिला राज बनाने की अब इन लोगों की मांग है। इन लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।